गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर एजुकेटर। तो आज हमारी जो प्लांट फिजियो है उसकी सेकंड क्लास होने वाली है। गाइस, सबसे पहले तो कल जो क्लास हुई थी उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट थे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको उसके आंसर दे दूंगी, समझा दूंगी उसको। एंड द सेकंड थिंग कि जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, डेली एक वीडियो डलेगा, तो आपको उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहना है। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम कवर नहीं कराएंगे। बहुत सारे बच्चे ईमेल करके पूछ रहे थे कि ये सब एमएससी के लेवल का है, सीएसआईआर के लेवल का है। इसमें टोटल आपका एमएससी प्लस सीएसआईआर दोनों लेवल का कवर किया जाएगा। एंड तो चलिए एक बार कल वाली क्लास को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है। उसके बाद हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस देखा था। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टोनिसिटी। तो टोनिसिटी जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहले ये देखिए, जैसे हम किसी भी सेल को, ये वाटर है एक कंटेनर में और ये है हमारे पास एक सेल। तो जब हम किसी भी सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उससे उसके ऊपर क्या अफेक्ट होता है, उसके वॉल्यूम पे और उसकी साइज़ पे क्या अफेक्ट होता है, उस टर्म को बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी जो होती है वो तीन टाइप की होती है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो सबसे पहले तो वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर जो है, हाइपर का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा, ज्यादा या फिर मोर, बहुत ज्यादा एक्सेस में। और टोनिक जो होता है, टोनिक का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। कल हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस देखा था। होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी लेट मी क्लियर फ्रॉम माय साइड। तो मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो तो लिक्विड को बोलते हैं, और जो सॉल्यूट होता है वो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है जिसको हम डिफ्यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्ट। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा और टोनिक का मतलब सॉल्यूट। तो जब हम किसी भी, ये हम याद रखिए, ये जो हम टर्म्स है यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बारे में लेके चलेंगे, ठीक है? हाइपर मतलब ज़्यादा, सॉल्यूट मतलब टोनिक, टोनिक मतलब सॉल्यूट। तो जब ज़्यादा सॉल्यूट हो किसमें, एक सॉल्यूशन में, देखिए जैसे कि ये हमने एक कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर वो वाली सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें हमने एक सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रखा, ये हमारा सेल है। तो हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन में। ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे, एक सेकंड अलग पेन से लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। वाटर का कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाएगा? जब हम किसी भी चीज़ के अंदर सॉल्यूट की एडिशन करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और उसकी वजह से जो ज़्यादा पहले अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स थे अब वो उतने अमाउंट में फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते। तो उस हिसाब से हम सेल का जो है सिचुएशन वो देखेंगे। अब सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर जो सॉल्यूट है वो कम हो जाएगा और जो सेल के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो जैसा कि हमें पता है वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, वाटर का मूवमेंट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वाटर सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम, तो वाटर का मूवमेंट सेल में से बाहर की साइड हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो होगा हमारा वो श्रिंक हो जाएगा, या फिर इसको प्लाज्मोलाइज्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये था हमारा हाइपरटोनिक। सिमिलरली जो हमारा सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब सॉल्यूट, और ये कहाँ बात की जा रही है? एक सॉल्यूशन में। तो ये हमारा कंटेनर है या एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी हमने मैट्रिक्स तैयार किया है उसके अंदर ये एक सेल हमने प्लेस कर दिया। इसमें जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन कम बताया है सॉल्यूशन में,
तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट हो जाएगा ज़्यादा। सिमिलरली सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर का अमाउंट हो जाएगा कम और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हमेशा अपने ज़्यादा से कम की तरफ। तो वाटर जो होगा यहाँ पे सेल के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाएगा, और इसको हम टर्जिड भी बोलते हैं। जो थर्ड सिचुएशन होगा उसमें होगा आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है और टोनिक का, तो आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक क्या सॉल्यूट। मतलब आइसोटोनिक के अंदर जो सिचुएशन है वो एकदम नॉर्मल रहेगी, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा सेल में। ये हमारा सेल रेडी है, और इसमें क्या होगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो इस सिचुएशन में जो सेल है हमारा, उसको हम फ्लैसिड बोलेंगे। तो ये था हमारा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दे दूँगी। इसके बाद हमें जो टर्म पढ़नी है, सेकंड में लाइन ड्रॉ कर दूँ। इसके बाद जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है वाटर पोटेंशियल। ये मैंने कल भी आपको पढ़ा दिया था, बट इससे आगे इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो इंटरलिंक करता है, तो मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, एक वाटर का पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आपसे कोई भी पूछेगा कि ये एक प्योर वाटर है कंटेनर के अंदर, और ये भी प्योर वाटर है, बट इसमें हमने कुछ सॉल्यूट का एडिशन कर दिया, जबकि ये था प्योर वाटर। तो आपसे कोई भी इसमें पूछेगा वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, तो वाटर के अंदर पोटेंशियल जो वाटर फ्री फॉर्म में है वो कौन से उसके अंदर ज़्यादा है, तो वो प्योर वाटर के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्यूट के अंदर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर से बॉन्ड बना लेंगे, तो अगेन वही कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीली अब प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर का है, और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा कितना होगा, कितना होगा, कल बताया था ज़ीरो, ठीक है। सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव होता जाएगा, जितना सॉल्यूट ऐड करोगे उतना मोर नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, उसके लिए आप पुरानी वीडियो रेफ़र करें। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट टर्म है, इसमें एक ये मतलब रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, तो क्वेश्चन आता है कि ये सॉइल है, जब वाटर सॉइल से रूट हेयर में जाता है, रूट के अंदर जाता है, तो क्वेश्चन आता है, अब सबसे पहले तो देखो प्लांट जो होता है ना, उसका जो भी वाटर वो एब्जॉर्ब करता है वो पूरे अपनी बॉडी के अंदर ऊपर की साइड जो है पानी देता है, ताकि जो भी उसके ऑर्गन्स हैं उनकी नीड पूरी हो सके। लीव्स में खाना प्रिपेयर होता है तो उसको लीव्स तक भी पहुंचाना पड़ता है, और बाकी अदर पार्ट्स पे भी। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा सॉइल, रूट, स्टेम और लीफ, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वाटर पोटेंशियल का सीक्वेंस अरेंज करो ज़्यादा से कम में।